इन डी एरिथ्रोज द कॉन्फिगरेशन इज सी टू एंड सी थ्री आर। तो इसमें हम सबसे पहले तो एरिथ्रोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एरिथ्रोज का मतलब ये होता है कि दोनों ओ एच किस साइड हो, सेम साइड हो। तो यहाँ पे हमने लिया सी एच ओ एच ओ एच एच ओ एच और सी एच टू ओ एच, इस तरह से हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे, आप लोग इसमें नंबरिंग कर दो सबसे पहले। तो वन इसको हमने नंबर दिया, टू इसको हमने नंबर दिया, थ्री और इसको दिया फोर। तो आप इसमें देख सकते हो इसको हमने नंबर दिया यहां से थ्री। ठीक है, वन टू थ्री और फोर। तो वन से टू गए, टू से थ्री गए, और ये अकॉर्डिंग हमें सीआईपी रूल से करनी है नंबरिंग। ठीक है, सीआईपी रूल का मतलब सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक मास देखें, एटॉमिक मास भी यदि सेम है, ठीक है, एटॉमिक मास का रूल भी यदि फेल हो जाता है, तो फिर हम हर एक जो भी एटम हमें दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसका हम लोग फर्स्ट एलिमेंट चेक करें। फर्स्ट एलिमेंट भी यदि सेम है तो फिर हम नेक्स्ट अदर थ्री एलिमेंट चेक करते हैं। इस तरह से हम लोग सीआईपी रूल का सिक्वेंस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हमने वन नंबर दिया है, देन फिर इसको दिया है, देन फिर इसको दिया है। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है क्योंकि फोर्थ ग्रुप हमारा किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। तो हॉरिजॉन्टल पे होने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए था इसका एस, लेकिन हो जाएगा क्या, आग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे फोर ग्रुप प्रेजेंट होने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको नंबर देंगे वन, इसको हम नंबर देंगे टू, इसको नंबर देंगे थ्री, इसको नंबर देंगे फोर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने इस तरह से नंबरिंग किया है वन टू थ्री फोर, इस तरह से हम लोगों ने इसको नंबरिंग दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका भी होना चाहिए था एस, लेकिन क्या हो जाएगा, आग। तो बेसिकली ये क्या है, टू आग, और ये भी क्या है, थ्री आग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आना चाहिए, दैट विल बी द आंसर इज ए, करेक्ट।